लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। ये है सोनम वांगचुक। इन्हें असली फुनसुक वांगडू कहा जाता है, वही जो फिल्म थ्री इडियट्स का मुख्य किरदार था, लेकिन सोनम विनम्रता से इस बात से इनकार कर देते हैं। हालांकि सोनम वांगचुक का काम काफी हद तक फुनसुक की तरह ही लगता है। सोनम मूलत मैकेनिकल इंजीनियर है, अब वे शिक्षाविद की भूमिका में भी है। उन्होंने लद्दाखी समाज के लिए कई आविष्कार किए हैं और वे भी बगैर मशीनों के। सोनम ने सूखे की समस्या से जूझते लद्दाख में सिंचाई के लिए एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया है। बौद्ध बहुल लद्दाख में स्तूप बनाए जाने की परंपरा है। सोनम ने इस कृत्रिम ग्लेशियर को बर्फ का स्तूप नाम दिया है। इसकी मदद से गर्मियों में सिंचाई की जाती है। 2014 में सोनम ने ये स्तूप बिना किसी मशीनी मदद के सिर्फ झाड़ झंखाड़ और पाइपों की मदद से बनाया था। इस बर्फीले स्तूप के जरिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए सिंचाई की जाती है। ऐसा स्तूप गर्मियों के मध्य तक कायम रहता है, जब आसपास की सारी बर्फ पिघल जाती है। ऐसा इसके कोन शेप के कारण होता है। कोन शेप के कारण इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, यानी इस पर पड़ने वाली धूप की मात्रा कम हो जाती है, इससे बर्फ पिघलती नहीं है हुए सिंचाई की जाती है। ऐसा स्तूप गर्मियों के मध्य तक कायम रहता है, जब आसपास की सारी बर्फ पिघल जाती है। ऐसा इसके कोन शेप के कारण होता है। कोन शेप के कारण इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, यानी इस पर पड़ने वाली धूप की मात्रा कम हो जाती है, इससे बर्फ पिघलती नहीं है वाली धूप की मात्रा कम हो जाती है इससे बर्फ पिघलती नहीं है।